होल्डर इन ड्यू कोर्स कर रहे थे, ऐसा पर्सन जो होल्डर है, याद रखना होल्डर की जो कंडीशंस थी उसको याद रखना। अब इस पे हम क्या बोल रहे हो, एक ऐसा पर्सन जो कि फॉर कंसिडरेशन, उसमें कंसिडरेशन नहीं करवाया था, फॉर कंसिडरेशन सिर्फ पैसों के लिए वो पोजिसर बनाए, किसका, प्रॉमिसरी नोट, फॉर कंसिडरेशन बिकम द होल्डर इन ड्यू कोर्स। पहला कंडीशन एक तो याद रखना, कोई भी एक पर्सन मीन्स, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से करना आप लोग, मीन्स एनी पर्सन जो सिर्फ कंसिडरेशन के लिए बिकम द पोजिसर ऑफ द प्रोमिसरी नोट भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हो इसमें आप लोग, या फिर चेक, तीनों कंडीशंस मतलब तीनों इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, हाँ लेकिन साथ में याद रखना उसमें मेंशन होना चाहिए इफ पेबल टू बियरर, अगर आपके प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये वर्ड नहीं है इफ पेबल टू बियरर तो वो नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या होगा, या पेई या एंडोर्सी, पे ही कौन होता है, बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, कौन होता है, पे ही और इंडोर्सी, मतलब इंडोर्सी मतलब किसी ने उसको दिया है, या फिर पे ही मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में उसका नाम लिखा होना चाहिए कि इसको पैसा मिलेगा, आ रहा है समझ में, तो वो कहलाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। इंडोर्सी मतलब उसको इंडोर्स किया गया, मतलब ट्रांसफर किया गया, और पेबल टू ऑर्डर होना चाहिए उसमें, और उसमें अमाउंट मेंशन्ड होना चाहिए, और बिफोर मैच्योरिटी के पहले वो उसको निकाल लें, ठीक है। और दूसरा कोई डिफेक्ट नहीं हो उसके टाइटल पे, मतलब ऐसा कोई हमारे पास रीजन नहीं होना चाहिए कि हम उसको नहीं पे करें, सिंपल, आ रहे समझ में, एंड विदाउट हैविंग And without having sufficient cause to believe that any defect existed, that any defect existed in the title of the person। तो ये होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब इसमें देखो कौन सी कंडीशंस जो इसमें मस्ट होनी चाहिए, ही मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्विजाइट्स क्वालिफिकेशन और कंडीशंस, मस्ट कंडीशंस मतलब एसेंशियल कंडीशंस भी बोल सकते हो, फर्स्ट पॉइंट ही मस्ट बी अ होल्डर। अब देखो होल्डर की जो कंडीशन बताई थी दो, वो ही मस्ट बी अ होल्डर मतलब होल्डर की जो दो मस्ट वाली कंडीशन बताई थी वो दोनों इसमें ऐड करेंगे। सेकंड चीज ही मस्ट बी अ होल्डर फॉर कंसिडरेशन, ही मस्ट be a holder for consideration, फिर क्या हो जाएगा, he must acquire the instrument before maturity, maturity के पहले, देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है that is before its maturity, मतलब अगर वो acquire कर रहा है तो maturity के पहले, maturity समझते हैं आप लोग, बताओ मैच्योरिटी समझते हैं,
मैम जो उसका लास्ट डेट है। हाँ, जैसे चेक में लिखा रहता है ना, सपोज 23 समथिंग कुछ लिखा है ना, और उसके लिखा है वैलिड टू 3 मंथ्स, तो उस डेट से लेकर 3 महीने तक कभी भी, तो उस 3 महीने के पूरे होने के पहले उसको मिल जाना चाहिए, बिफोर इट्स मेच्योरिटी। आगे देखो कि नहीं, और एक और चीज आती है इसमें, जैसे प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं ना बेटा, उसमें क्या लिखा रहता है कि इस तारीख को मैं इसको दूंगा, तो उस तारीख से पहले इसको मिल जाना चाहिए। आपको बात आ रही है समझ में? मेच्योरिटी की बहुत सारी मीनिंग हो सकती है। प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर एक डेट लिखी है कि इस डेट को मैं इसको पे करूंगा, तो उस डेट, सपोज मैंने लिखा है कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट आई विल पे हिम, तो लिखवाया था ना मैंने एक स्पेसिमेन प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो जैसे समझो 3 महीने, अब वहां से समझो 3 महीने जब भी चला, तो तब तक उसको मिल जाना चाहिए। ये वाली कंडीशन ना चेक में अप्लीकेबल नहीं होती। चेक में तो डायरेक्ट लिखा लिख देते हैं अपन आज की डेट, और फिर डाल देते हैं कि वैलिड फॉर 3 मंथ्स, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम ये लिख के दे देते हैं कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट आई विल पे हिम, तो जब वो 3 महीने हो जाएंगे और जब हम उसको पे करेंगे तो उसके पहले तक मिल जाना चाहिए। अब वो कब तक उसकी वैलिडिटी है, 3 महीने तक की है कि 6 महीने तक की है, वो बात की बात है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वहां तक उसको पहले मिल जाना चाहिए। आ रहे समझ में मैच्योरिटी का मतलब? यस मैम। अब देखो, ही मस्ट एक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, चोरी चकारी नहीं है ना, गुड फेथ में मिलना चाहिए उसको, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, बस इसमें इतनी कंडीशंस हैं, मस्ट और एसेंशियल कंडीशंस इतनी ही है इसकी। अब इसमें एक चीज देखो, कुछ प्रिविलेजेस पढ़ते हैं अपन, या फिर एजम्पशंस या फिर राइट्स। देखो, पहला प्रिविलेजेस इसमें क्या आ जाएगा, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन क्या होता है, जो भी होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, हम ये एज्यूम करेंगे कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। याद रखना, जो इसके पहले क्या था हमने, होल्डर वो अलग था, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। इसमें क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन हो जाता है, जिसको नेगोशिएट या एंडोर्स होके या ट्रांसफर होके इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वही क्या कहलाएगा, अब होल्डर, क्योंकि अब उसके पास है, तो अब वो क्या हो गया, होल्डर हो गया। दूसरा एक चीज इसमें आ जाएगा, इन कैश स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इसका, स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट अच्छे से स्टैम्प्ड नहीं, इन केस मतलब कुछ गड़बड़ है ना, या केओस में, तो क्या होता है कभी कभी, जैसे अमाउंट होगा इसमें 5,000 का, और अगर हम उसमें अमाउंट को 6,000 कर दें और इन केओस दिख रहा है ना, अच्छे से वो नहीं दिख रहा है, तो इनकम्प्लीट स्टैम्प, मतलब कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट स्टैम्प है, तो हम कभी कभी अमाउंट वो लोग चेंज कर देते हैं और स्टैम्प अच्छे से नहीं है, तो सपोज अगर 5,000 को 6,000 किया और 6,000 वाले पे स्टैम्प नहीं लगा और 5,000 पे लगा है, तो हम उसको 5,000 तक का ही अमाउंट देंगे। आगे देखो, लाइबिलिटी ऑफ प्रायोर पार्टीज, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको जिससे भी मिला है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, लाइबिलिटी उनकी कहलाएगी। दूसरा फिक्टिशियस बिल होता है ये, फिक्टिशियस बिल क्या होता है,
जैसे सपोज बीच में डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो पैसे निकालने की लिमिट अलग थी, है ना, कि हम खुद एक दिन में या एक वीक में 24,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा था। कुछ कुछ रूल्स बनते थे, एक दिन में 2,000 से ज्यादा नहीं ले पा रहे थे, फिर मंथली क्या वीकली 24,000, मंथली ऐसे करके कुछ कुछ गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगा दी थी। तब क्या हो जाता था, लोग क्या करते थे, चेक तो दूसरों को तो दे सकते हैं ना, दूसरों को तो मिल सकता है, तुम खुद विड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो क्या करते थे, अपने नेबर या अपने फैमिली में किसी और के नाम पे चेक इशू कर दिया और उसके अकाउंट में आ गया तो वो विड्रॉ कर लिया अमाउंट। तो ऐसे फिक्टिशियस बिल बहुत जनरेट होते हैं। नेक्स्ट देखो, जो खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसीडरेशन, ऐसे वाले भी हो सकते हैं विदाउट कंसीडरेशन पे, नो इफेक्ट ऑफ कंडीशनल डिलीवरी। कंडीशनल डिलीवरी क्या होती है, कुछ कंडीशंस रख देना, तो उसका कोई अच्छा खासा फर्क नहीं पड़ेगा इन पे, नो इफेक्ट ऑफ कंडीशनल डिलीवरी। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कंडीशनल डिलीवरी को? देखो, कुछ स्पेशल कंडीशंस रख दी जाती हैं, ये करोगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा कोई बिल ड्रॉ करना ही नहीं चाहिए जब आप उसको कंडीशंस रख रहे हो। सामने वाले को तभी आप दो बिल जब आपको लगता है कि आपकी कंडीशंस ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। आप उसको ये बोलोगे कि इतना काम तुम करोगे तब जाके तुमको ये मैं दूंगा, भले मैं तुमको अभी दे रहा हूँ बट फिर मैं तुमको पे नहीं कर पाऊंगा तब। तो ऐसी कोई फालतू की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपका काम पूरा हो रहा है तो ही आप उसको दो। अगर आपने फिर भी उसको चेक दे दिया तो वो तो बैंक में लगाएगा और पैसे निकालेगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा कंडीशनल डिलीवरी पे। अगर आपको कंडीशन रखनी है तो आप फिर इशू ही मत करो प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक्स वगैरह, क्योंकि अगर आपने कंडीशन रखी, आपने उसको चेक दिया और आप उसको बोल रहे हो कि मैं अमाउंट पे नहीं करवाऊंगा, मैं बैंक से रुकवा दूंगा, तो भी गवर्नमेंट इतने रूल्स लेके आ गई है कि अगर आपने सामने वाले को चेक वगैरह इशू किया है और उसको पैसे नहीं मिल रहा है तो आपके ऊपर केस कर सकता है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप उसके ऊपर कोई कंडीशंस डालते भी हैं तो। दूसरा, डेरिवेशन ऑफ बेटर टाइटल फ्रीड फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये मैंने अभी बताया था आपको मेन कंडीशंस में कि बेटर टाइटल होना चाहिए, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि हमको ऐसा मौका मिले दैट इसने गुड फेथ में एक्वायर नहीं किया है, या इसके पास ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्टॉपल क्या होता है, कभी सुना है किसी ने स्टॉपल वर्ड? सपोज जो ड्रॉवर है या जो मेकर है जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, अब वो क्या करता है, डिनाई करता है उसकी ओरिजिनल वैलिडिटी पे, स्टॉपल लगा रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर देना फैक्ट को। आपने पहले कुछ किया, अब आप उसको मानने को तैयार नहीं है, या आप उसके कॉन्ट्राडिक्ट में जाते हैं, तो ऐसे कुछ होते हैं चीजें, तो ऐसी जगह पे बोला जाता है स्टॉपल, ESTOPPEL, रोकना। बट किस टाइप का रोकना, पहले हाँ बोल के ना कर देना, इसको बोलते हैं स्टॉपल। इसके ना कुछ टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब आप यूनिट 3 पे आएंगे ना उस पे, क्योंकि आपका बुक मैंने जो सिलेबस दिया है उसमें 2-3 यूनिट पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि टर्म्स जो लीगल टर्म्स हैं वो उसमें क्लियर हो जाते हैं। तो अभी आप स्टॉपल को बस इतना ही समझो, फिर आगे वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल
डिनाई कर देना, मुखर जाना, है ना। डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ द पे टू एंडोर्सी। जो पे है वो मुकर जाता है किसको? एंडोर्सी। एंडोर्सी क्या होता है? जिसको हमने दिया है पे, मतलब हमको मिला है, हम उसमें से अमाउंट निकाल सकते हैं। और एंडोर्सी कौन हुआ? जिसको हम दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी पे ही बन जाता है बाद में। तो तब ऐसी सिचुएशन में पे ही भी डिनाई कर सकता है, नहीं मैंने इसको नहीं दिया है। तो ये सब प्रिजम्पशंस इसमें फॉलो होंगे। आ रहे समझ में? यस मैम।